चावले क्रूज रील कर रही है, रील कर रही है 100 110 120। Hi guys and welcome to another vlog. आज हम एक ट्रैक करने वाले हैं बिटवीन द शेवरले क्रूज एंड फोक्सवैगन वोल्टस 1 लीटर TSI. सो इन द फर्स्ट प्लेस ये गाड़ी कोई ऑर्डिनरी गाड़ी नहीं है गाइज, दिस इज अ स्टेज 1 रीमैप बाय OEM जो कि JT Renewal का इन हाउस रीमैप है और ये काफ़ी अग्रेसिव है. एंड सेकेंडली उन लोगों के लिए जिन्होंने इस गाड़ी की ट्रैक्स पहले देखी हैं, इसका लैग अब मिनिमाइज हो चुका है काफ़ी हद तक. अभी भी है पर इट इज़ नॉट एज मच एज बिफोर, काफ़ी बेटर परफॉर्म करती है. थर्ड गियर में इतनी स्लॉपी नहीं है ये. दोनों गाड़ियाँ जो हैं, दोनों की दोनों गाड़ियाँ बहुत अच्छी कार्स हैं. ये भी एक काफ़ी एंथुजियास्टिक कार मानी जाती है. इफ़ वी टेक द 1.5 लीटर TSI, 1 लीटर के साथ इतना ज़्यादा अभी कुछ है नहीं एक्सपेरिमेंट करने को, इतने इंटरनल चेंज नहीं कर सकते आप. बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो. अभी हम ड्रैग के बारे में बात करना है. ये यूज़ करती है 2 लीटर का डीजल इंजन, टर्बोचार्ज इंजन है. ये प्रोड्यूस करता है 164 BHP, 360 Nm ऑफ टॉर्क, विच इज मेड टू अ टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन. फ्रंट व्हील ड्राइव. दिस ऑल्सो यूजेज अ 6-speed टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन. और अगर हम इसकी बात करें, 1 लीटर इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन है. ये प्रोड्यूस 115 BHP, 178 Nm ऑफ टॉर्क, स्टॉक फिगर्स हैं. अगर हम इस गाड़ी के ट्यून की बात करें, सो दिस नाउ प्रोड्यूस 135 BHP, 240 Nm ऑफ टॉर्क. और क्लियरली वो काफ़ी पास आ चुके हैं क्रूज के, बट फिर भी डिफरेंसेस रहेंगे. 24 BHP ऊपर है वो और 110 Nm ऊपर है टॉर्क में, 120 Nm, तो क्लियरली उससे फ़र्क पड़ेगा. सो इस राउंड के लिए पहले ड्रैग में हम जाने वाले हैं क्रूज के अंदर. और वेट के एक चीज़ बता देता हूँ, वेट इसका 1400 kgs है, इसका 1300 kgs है, 1275, तो क्लियरली वहाँ पे 125 kgs का डिफरेंस होगा. सो फिर ड्रैग के लिए चलते हुए मिलते हैं. वॉइस फर्स्ट ड्रैग के लिए आ गए अब हम, और हमारी गाड़ी जो है वो नॉर्मल ड्राइव मोड में रहने वाली है, एकदम सेडेट सेटिंग्स, AC ऑन. ट्रैक्शन नहीं आता गाड़ी के अंदर, तो क्लियरली हम ट्रैक्शन डिसेबल नहीं कर सकते, पर अभी ट्रैक्शन ऑन है इस वजह से. और फर्स्ट राउंड के लिए सीधे नहीं चलते, दो लोग हैं गाड़ी के अंदर, एक बार उनसे पूछ लेते हैं सेटिंग क्या है. ठीक है, इसका ड्राइव मोड AC ऑन. हाँ, मैं बजा दूंगा. तो फर्स्ट राउंड यहीं से स्टार्ट करते हैं भाई. और गाइस फर्स्ट गियर में क्रूज आगे है और सेकंड में भी आगे. वर्टिस रील नहीं कर रही फिलहाल, साइड मिरर में ही है. 100 110 120, वोटस अब रील कर रही है. वोटस ने एकदम एंड में जैसे ही ट्रैक कंप्लीट करने वाले 400 मीटर्स का मार्क टच करते ही वोटस आगे निकली है. हमारी ट्रैक स्पीड थी 135 की और 140 पे अब हम ब्रेक मार लेते हैं. तो क्लियरली इस राउंड की विनर फोक्सवैगन वोटस रहती है, पर वो एकदम एंड से निकली है. और जब थोड़ा सा, मतलब मान लो आधे बोनट के गैप से निकली है, हाफ बोनट ही आगे था उसका, इतना कोई ज़्यादा फर्क नहीं था. 130 135 पे. ठीक है ठीक है, AC ऑफ कर लेते हैं इस बारी. ठीक है, बहुत लीनियर है पावर डिलीवरी, लीनियर है बहुत. लैग कहीं पे भी नहीं है, पर पंच भी कहीं पे भी इतना फील नहीं हो रहा. बहुत स्मूथली ऐसे लगता है एकदम हाथी की तरह. भाई अमेरिकन कार जैसी फील होती है, मसल मसल फील होती है इसकी. बंपर भी ऐसी चलती है. हाँ, एंडेवर भी ऐसी थी. गाइस सेकंड राउंड यहीं से स्टार्ट करते हैं और ड्राइव, AC ऑफ, रेडी. गाड़ी खड़ी रह गई. अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है गाइस, वो 3-1 कर देगा क्योंकि उन्हें काफी कैबिन नॉइस आता है. हल्की जंप मारी है उसने. तीसरे गियर में शेवरले क्रूज रील कर रही है 100 110 120, बहुत इवनली साथ साथ चल रही है. और यार ये अब निकली है, वोल्टस आ गए, निकल गई. लेकिन वो ड्रैग कंप्लीट हो चुकी है और क्लियरली इस राउंड के विनर वोल्टस रहती है, पर बहुत पास था. और इस बारी भैया पहले निकले थे थोड़ा हमसे, वो जंप करके चले. हाँ, हल्की जंप मारी उन्होंने. अगर हम इनको एकदम साथ साथ स्टार्ट करेंगे मेरे हिसाब से, तब शेवरले क्रूज जीत जाएगी ये ड्रैग. एक बार उन्हें बोल देते हैं जंप मत मारना, चीटिंग मत करना. बीच में
तुमने जंप मारी लेकिन इस बारी जंप मारी है तुमने। थ्री टू वन कर दे पर जंप मत करना। गाइस अब हम लास्ट राउंड के लिए आ गए हैं, एसी ऑफ, गाड़ी ड्राइव में, और लास्ट राउंड यहीं से स्टार्ट करते हैं बिना जंप स्टार्ट के। आई होप दे डोंट चीट। गाइस फर्स्ट गियर में क्रूज आ गए, सेकंड में भी क्रूज आ गए, अब वोल्टेज पीछे हो रही है, अब देखते हैं वोल्टेज रील करती है कि नहीं। क्लियरली मैंने बोला था कि अब जंप नहीं होगी तो फिर क्रूज आगे रहेगी। 120, 130 ड्रैग रेस निकल गए यार, एकदम एंड में वोल्टेज निकले आगे, पर इट वाज अ वेरी वेरी क्लोज कॉल, बहुत पास थी दोनों गाड़ियां। और क्लियरली गाइस इस राउंड की विनर वोल्टेज रहती है, पर एकदम एंड से बाय हाफ अ बोनट, उससे ज़्यादा नहीं था, ये बहुत क्लोज था, क्योंकि वही है जंप अगर नहीं होगा उसका और साथ साथ स्टार्ट होगी तो क्रूज आगे निकल सकती है, पर फिर वो ट्यून्ड गाड़ी है, स्टॉक गाड़ी नहीं है। स्टॉक गाड़ी अब आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना पीछे रहती क्रूज से, ट्यून होने के बाद तो पोटेंशियली चेंज हो जाती है गाड़ी की पूरी। 135 पे लास्ट रोल रेस, फर्स्ट गियर 20, ठीक है। सो गाइस फर्स्ट गियर 20 लास्ट रोल रेस, मैनुअल में अभी हम शिफ्ट कर देंगे इसको, पर ऑटोमेटिक में वापस शिफ्ट कर देंगे फर्स्ट गियर के बाद। नहीं ये स्लो है, उसमें मैनुअल में काफी स्लो शिफ्ट करती है। रहने दो भाई, रहने दो, कोई फायदा नहीं हुआ इस राउंड का, इसको ऑटोमेटिक में ही रखने का फायदा है ना। शिफ्ट नहीं हुआ था, बहुत लेट किया उसने, कोई फायदा नहीं हुआ, और भैया को निकलना है तो यार अब एंड करते हैं इस रेस को यहीं पे। सो गाइस इंक्लूजन आपने देख ही लिया है, शेवरले क्रूज एंड फोक्सवैगन वोल्टस 1 लीटर DSi If tuned are very evenly matched, बहुत close call होती है इनकी, सिर्फ हाफ अ बोनट का फर्क आता है, और क्लियरली विनर वोल्टस रहती है उसमें, पर Chevrolet Cruze ने बहुत अच्छा कम्पीट किया डिस्पाइट बींग 8 years old, डिस्पाइट हैविंग अ डीजल इंजन जो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, इट इज़ वेरी प्रोन टू गेट इल, एज के साथ काफ़ी फ़र्क पड़ता है डीजल इंजन में, प्लस कार्बन काफ़ी उसके अंदर इकट्ठा भी होता है, तो उससे भी परफॉर्मेंस डल हो सकती है। और क्लियरली भाई Chevrolet Cruze ने अच्छा कम्पीट किया, पर विनर इज़ द Volkswagen Virtus GT, Virtus 1 liter DSi। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक दिस वीडियो एंड गिव इट अ थम्स अप, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन सम वीडियो, बाय।